एंटोमोलॉजी की आज की इस क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे लैक कल्चर। लैक कल्चर अर्थात लाख, लाख का किस तरीके से उत्पादन किया जाता है, लाख क्या होता है ना? उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो लाख है क्या? तो लाख जो है इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है ना, ठीक है, और खासकर जो फीमेल लाख इंसेक्ट है उसकी बॉडी से निकला हुआ रेजिनस है ना, एक्सुडेशन है, रेजिनस जो है मटेरियल है जो कि फीमेल इंसेक्ट्स है ना, फीमेल लाख स्केल इंसेक्ट्स जो है उसकी बॉडी से निकलता है ना, ठीक है। और ये जो है इसका लाख के बारे में अपन लोगों को बहुत वैदिक पीरियड से, बहुत ही पहले से इसका, हमारे जो पुराने वेद ऋषि मुनि है उनको इसका पहले से ज्ञान था लाख के बारे में, है ना। इसीलिए जो है अथर्वेदा में भी, अथर्वेद जो है उसमें भी लाख का जिक्र होता है ना। इसीलिए जो है इस इंसेक्ट्स को बोला जाता है लाख, लाक्ष, लाक्षा ग्रह है ना, जो कि आप लोगों को पता है कि महाभारत में जो है कौरवों ने बनाया था पांडवों को मारने के लिए, है ना। उनका एक आर्किटेक्ट था पुरोचा नाम से, उसने जो है ना एक ऐसा ग्रह का निर्माण किया था जो कि लाख से बना था, जिसके अंदर जो है धोखे से कौरव लोगों ने पांडव को ले गए थे, और जो है उनको, क्योंकि लाख जलने में इनफ्लेमेबल मटेरियल है ना, उस लाक्षाग्रह में उनको पांडव को बंद कर दिया था जिसके कारण से वो पांडव जल जाएं और मर जाएं। इस हिसाब से लाक्षाग्रह का निर्माण किया गया था, और वो लाक्षाग्रह क्या था, लाख, जो लाख है उसी के जरिए जो है उस पूरे घर का निर्माण किया गया था। ये देखिए, ये जो इस फोटो में भी दिखा रहा है ना, ये महाभारत में द्रौपदी और जो पूरे के पूरे है ना पांडव है, ये पूरा लाक्षाग्रह है, लाक्षाग्रह का जो है इस महल को जला दिया गया था, लेकिन संयोगवश ये बच गए थे। तो लाख इंसेक्ट है ना, अगर हम इसका सिनोनिम्स देखें इंग्लिश वर्ड्स के अनुसार से, तो इसका मतलब होता है लाख, लाख, लाख हिंदी में बोलते हैं अपन लाख, लाख क्या संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग ये होता है थाउजेंड्स या 100,000s, है ना, ठीक है, लाख। तो ये पहले के जो व्यक्ति थे वो भी इसके बारे में जानते थे, लाख के बारे में, कि ये जो है लाख, कई सारे लाखों इंसेक्ट्स के जो है सीक्रीशन से लाख का क्रिएशन होता है ना। और पहले जमाने के लोग उसका बायोलॉजिकल और कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स भी जानते थे, लैक इंडस्ट्रीज का, है ना। इसलिए उस समय से लाख इंसेक्ट्स का इम्पोर्टेंस है, उस समय से इसका यूज किया जा रहा है ना। और एक लाख जो है क्या है, बेसिकली नेचर्स गिफ्ट है, भगवान की देन है, प्रकृति की देन है आदमियों के लिए, है ना, नेचर्स गिफ्ट टू मैनकाइंड। और यह केवल एक ऐसा कॉमर्शियल रेजिन है जो कि एनिमल्स, इंसेक्ट से अर्थात एनिमल से प्राप्त होता है। ये पूरे अपना कहा जाए सबसे एनिमल ओरिजिन का सबसे पहला और अंतिम है ना, इज ओनली नोन कॉमर्शियल रेजिन है ना, ठीक है। और ये जो है जितने छोटे 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 इंसेक्ट्स होते हैं जिनको कि लाख बोला जाता है, जो हेमिप्टेरा ऑर्डर के तहत आते हैं है ना, उनके सिक्रीशन से ही ये लाख प्रोड्यूस होता है। लगभग लगभग 1 किलो लाख रेजिन जो है वो अराउंड 3 लाख इंसेक्ट्स है ना, 3 लाख इंसेक्ट से प्राप्त होता है। और लाख इंसेक्ट जो है वो क्या करता है, रेजिन देता है। इसके जो है लाख इंसेक्ट्स की क्या क्या यील्ड्स है ना, रेजिन मिलता है, लाख की डाई मिलती है, ये देखो ये सब तो दिख रहा है फोटो में, ये लाख का वैक्स है ना, ठीक है। और ये जो है इनका उपयोग, ये जो रेजिन का, डाई का, वैक्स का उपयोग बहुत पुराने समय से जो है किया जाता रहा है, एंशियंट टाइम से इसका उपयोग किया जा रहा है। और आयुर्वेदा में और जितने भी जो मेडिसिन है, यानी मेडिसिनल यूज भी इन सब चीजों का होता है। ये सब देखिए, ये जो पिक्चर में दिखा रहा है, ये लाख के डिफरेंट सेलेक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो इस प्रकार से लाख जो है एक नेचर्स गिफ्ट है, प्रकृति की देन है मैनकाइंड के लिए। अब बात आती है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व तो क्या है ना। तो इसका बेसिकली जो है तीन प्रमुख रूप से इसका इम्पोर्टेंस है। एक तो ये इको फ्रेंडली होता है, ठीक है, क्योंकि
किसी प्रकार से एनवायरनमेंट को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल अर्थात यूज होगा, यूज होने के बाद क्या होगा, फिर से जेनेटिक शेप में आ जाएगा और किसी भी प्रकार का जो है इसमें नुकसान एनवायरनमेंट को नहीं होगा। तीसरा होता है सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल मटेरियल, है ना, ये अपने आप में ऐसा है, लग गया इंसेक्ट्स अपने आप बढ़ बढ़ करके बॉडी से, इंसेक्ट्स की बॉडी से रेजिन्स निकलते जाते हैं और ये लाख का निर्माण होता चला जाता है, तो नेचुरली है ना। और इन लाख इंसेक्ट्स को जो है, जो इनके होस्ट जिसके ऊपर इसका कल्चर किया जाता है, जिनके ऊपर ये होस्ट के ऊपर ये पलते हैं लाख इंसेक्ट्स, वो बहुत ही क्या प्राइमरी इंपॉर्टेंस के नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंस के प्लांट्स नहीं होते हैं, वो वेस्ट लैंड एरिया में भी हो जाते हैं, है ना। और जिसके जरिए हमको विदाउट इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए, बल्कि उससे इकोसिस्टम और डेवलप होता है और हमको एक इकोनॉमिक रिटर्न्स के रूप में लाख का प्राप्ति होती है, है ना। और साथ साथ ट्राइबल्स पीपल, पुअर पीपल्स जो जंगल में रहते हैं, है ना, फॉरेस्ट और सब फॉरेस्ट एरिया में जो रहते हैं, उनकी जीविका उपार्जन कर है ना, ये एक स्रोत होता है लाख, है ना, उनके जरिए उनकी जीविका चलती है, उनकी कमाई का साधन होता है। तो इस प्रकार से जो है, जो लाख का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है और हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से, और साथ ही साथ जो है वो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा होता है। अब इसकी टैक्सोनॉमी की बात करें तो लैक इंसेक्ट की जो टैक्सोनॉमी है, ये सबसे पहला जो है आपका इसकी जो साइंटिफिक अकाउंट है ना, लाख इंसेक्ट का जो साइंटिफिक अकाउंट जो दिया गया था इन द ईयर 1782 में, 1782 में साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे कैर, है ना, जे कैर ने पब्लिश किया था, किसमें, फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, है ना, एक किताब थी फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसके की वॉल्यूम नंबर 71 के पेज नंबर 374 से 382 पेज नंबर में इसका लाख का जिक्र है, है ना, वो सबसे पहला साइंटिफिक अकाउंट था। और जो इस लाख को सबसे पहले साइंटिफिक नेम दिया है वो जो है टेकेरिडा लैका, सबसे पहला साइंटिफिक नेम इसका था टेकेरिडा लैका, जो कि किसके हिसाब से, एक जो फ्रेंच मिशनरी थे उनके फादर था, उनका नाम था फादर का टेकेरिडा, टेकरिडिया, है ना, टेकरिडिया, तो टेकरिडिया के हिसाब से इसका साइंटिफिक नेम सबसे पहला दिया था टेकरिडिया लैका। बाद में इसका नाम चेंज होकर के लेसिफर लैका हुआ और अदर नेम उसका जो अन्य दूसरा नाम जो है वो दिया गया कैरिया लैका, है ना, कैरिया लैका, और कैर जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। तो ये देखिए, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है ये इंसेक्ट, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली लेसिफेरिडी, जीनस लेसिफर और स्पीसीज लैका। तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया लेसिफर लैका, हेमिप्टेरा, ऑर्डर फैमिली लेसिफेरिडी। अपन इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लाख इंसेक्ट जो है ये करंटली जो है प्रोड्यूस होता है इंडिया में, म्यांमार में, थाईलैंड में, मलाया में, है ना, और युआन प्रोविंसेस ऑफ चाइना में होता है, लेकिन प्रमुख रूप से इंडिया और जो थाईलैंड है वो विश्व में सबसे ज्यादा, और जिसमें भी खासकर भारत देश जो है हमारा प्राइम पोजिशन में है, भारत देश में सबसे ज्यादा लाख का प्रोडक्शन होता है। और ये जो लाख है वो आपका जो थाईलैंड में गया है वो कहाँ से गया है, वो भारत से ही लाख का गया है, लाख गया है दूसरी कंट्रीज में। तो मेन प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, भारत देश है, हमारा देश है, है ना। तो लाख इंसेक्ट होता क्या है, तो लाख जो है एक बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म क्रॉलिंग, बिल्कुल थोड़ा चलने वाला स्केल इंसेक्ट होता है, जो कि अपने जो प्रोबोसिस होते हैं उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं जिनमें कि सक्टोरियल प्रोबोसिस होता है, जिनके अंदर सक करने वाले प्रोबोसिस होते हैं, वो प्लांट टिश्यूज में ये इंसर्ट कर देते हैं और उस प्लांट टिश्यू से जूस, प्लांट जूस को सक करते हैं और बढ़ते हैं, और साथ ही साथ अपनी बॉडी से एक प्रकार का रेजिनस मटेरियल, है ना, सिक्रेट करते हैं, जिसको कि लाख बोला जाता है। और यही जो इंसेक्ट्स है जब अपनी बॉडी से लाख का सिक्रीशन करता है तो अपने शरीर को उससे ढक लेता है, इसीलिए उसको जो है उसको शरीर को ढकने के कारण से ही उसकी जो शरीर ढकी रहती है लाख से, तो उसको बोला जाता है सेल, CELL, सेल बोला जाता है ना। और लाख जो होता है
वो बेसिकली ये इंसेक्ट्स काहे के लिए प्रोड्यूस करता है, अपने स्वयं के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई प्रेडेटर उसके उससे किसी प्रकार का उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो अपने स्वयं के प्रोटेक्शन के लिए जो है लाख इंसेक्ट्स खुद अपना लाख का सेपरेशन करने का कार्य करता है। तो इसमें मेल और फीमेल लाख इंसेक्ट्स होते हैं। तो मेल लाख इंसेक्ट्स होता है, ये देखिए चित्र में दिखा रहा है, ये लाल कलर का होता है ना, और लगभग लगभग 1.2 से 1.5 मिलीमीटर इन लेंथ है ना, मतलब कितना छोटा होता है सोचिए, 1.2 से 1.5 मिलीमीटर मिलीमीटर लंबाई में होता है, ये चित्र में दिख रहा है देखिए। और इनकी जो आंखें होती हैं वो रिड्यूस होती हैं, एंटीना रिड्यूस होता है, और जो थोरैक्स होता है उसमें एक जोड़ी जो है एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हाइलिन विंग्स पाए जाते हैं मेल इंसेक्ट्स में है ना। जबकि फीमेल इंसेक्ट जो होता है, फीमेल लैक इंसेक्ट जो होता है वो मेल से बड़ा होता है, जिसकी लंबाई 4 से 5 मिलीमीटर होती है, और इसकी ये बॉडी देखिए, ये देखिए पायरीफॉर्म बॉडी, क्या इसको बोला जाता है नाशपाती के आकार की है ना, नाशपाती के आकार की इसकी शरीर होता है। इसमें जो सिर है, थोरेक्स है और एब्डोमेन जो है इस फीमेल इंसेक्ट्स के क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं है ना। और एंटीना, इसमें एंटीना जो लैक्स होते हैं वो डीजनरेटेड फॉर्म पे होते हैं, और विंग्स जो होते हैं वो फीमेल इंसेक्ट्स में क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं ना। और लार्ज इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल की अपन बात करें तो लाइफ लाइफ इंसेक्ट्स की जो लाइफ साइकिल है वो लगभग लगभग 6 महीने की लाइफ साइकिल होती है। इसीलिए लाख क्रॉप जो होती है साल भर में 2 लाख की फसल ली जाती है ना, और इनकी 6 महीने की एक जो है लाख इंसेक्ट्स का जीवन चक्र होता है, इसीलिए 2 फसल साल भर में ली जाती है। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो जो है डिफरेंट स्टेजेस से मिलकर के बनी होती है, जिसमें कि 5 स्टेजेस हैं। पहला एग है, दूसरा निम्फ है, तीसरा इंस्टार्स है, चौथा प्यूपा है, और पांचवा एडल्ट है ना। तो लार्ज इंसेक्ट जो रहता है इसमें ओवोविविपेरस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है ना। ओवोविविपेरस जो है अर्थात अंडा और जो है मैच्योर्ड अंडे, पूरे जो है फुली एम्ब्रियो अंडे जो होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो फुली डेवलप्ड होता है, जैसे ही अंडा दिया जाता है तुरंत उससे जो है कुछ घंटों के अंदर लार्वी निकल आती है, इसीलिए उसको कहा जाता है ओवोविविपेरस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लार्ज इंसेक्ट्स में होता है। और एक जो फीमेल है वो अपने जीवन चक्र में लगभग 200 से 500 अंडे देती है। वो अंडे कैसे होते हैं, रेडी अंडे होते हैं, इसीलिए क्या उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो ओवोविविपेरस होता है, मतलब एम्ब्रियो जो है फुली डेवलप होते हैं, जैसे ही एग लेइंग होती है तुरंत कुछ घंटे बाद उसमें से लार्वी निकल आती है, इसलिए उसको बोला जाता है ओवोविविपेरस है ना। तो ये देखिए, ये जो है पहला जब मोल्ट होता है ना, पहला मोल्ट होने के बाद जो मेल और फीमेल लिम्स दोनों जो होते हैं, मेल और फीमेल लिम्स वो अपने क्या कर देते हैं, जितने भी अपेंडेजेस हैं, आंख है ना, और इन सबको क्या कर देती है, लूज कर देती है, निकाल देती है, त्याग कर देती है, और डीजनरेट हो जाती है ना, मेल और फीमेल है ना। और जब ये अपने सेल्स के अंदर होता है तो सेल्स के अंदर ही निम्स जो है वो क्या करते हैं, सेकंड मोल्ट करते हैं है ना, और उसी सेल के अंदर ही सेकंड और थर्ड दोनों मोल्ट कर करके वो मैच्योर हो जाते हैं और एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं है ना। और दोनों मेल और फीमेल लार्वी जो है वो लगभग लगभग 8 सप्ताह में है ना, 8 वीक्स में मेल और फीमेल लार्वी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होती है दोनों की है ना, मेल और फीमेल की है ना। और दोनों जो मेल हैं वो फिर केवल जो दोनों मैच्योर होने के बाद केवल मेल जो होता है ना, केवल मेल जो होता है एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करता है, या इसको कहा जाए ट्रांसफॉर्मेशन करता है दूसरे फॉर्म पे है ना, और उस समय वो अपना प्रोबोसिस लूज करता है और डेवलप्स कर देता है, क्या क्या करता है, एंटीना, लैक्स और एक जोड़ी पंख, केवल ये मेल में जो है वो आपके कब, जब 8 सप्ताह के बाद, जब मेल और फीमेल लार्वा जो है सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाते हैं उस 8 वीक्स के बाद, तो केवल मेल में एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और वो जो है अपने प्रोबोसिस को लूज कर देता है ना, और उसमें एंटीना, लैक्स और
एक जोड़ी पंख का निर्माण होता है मेल में, है ना। ठीक है, और जो है ये ब्रूट सेल के अंतर्गत रहता है, ब्रूट सेल के अंदर जो है वो एक प्रकार के स्लीपर लाइक जो है ना राउंड ट्रैप, जिसको बोलते हैं अपरकुलम, उसके अंदर ऐसा अपरकुलम बनता है जिसके जरिए जो है आपका ये मेल इंसेक्ट जो है वो क्या करता है, इमर्ज करने का काम, उस सेल से बाहर निकलने का कार्य करता है। तो एडल्ट मेल जो है इसीलिए विंग्ड होते हैं, है ना, और फीमेल के पास जा करके उनके साथ कॉपुलेशन करते हैं और उनको फीमेल को क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं, है ना। अब बात आती है फीमेल लैक सेल, है ना, फीमेल लैक सेल कैसी होती है। तो फीमेल ब्रूट सेल जो होती है ये देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैसी होती है, नाशपति शेप की होती है, ग्लोबुलर इन शेप होती है, और ये जो है ये प्राय क्या हो जाती है, डीजनरेट फॉर्म पे होती है, अर्थात अपने आप को जो पेड़ पौधों का जो ट्विग है ना, उस ट्विग से क्या कर लेता है, अपने आप को फिक्स कर लेती है ना, जो सकुलेंट ट्विग है उससे अपने आप को फिक्स कर लेती है फीमेल, और फीमेल उसका माउथ पार्ट्स रिटेन कर लेती है, बट फेल्स टू डेवलप एनी विंग्स, इसमें विंग्स किसी प्रकार के आईज या किसी प्रकार के अपेंडिजेस का डेवलपमेंट फीमेल में नहीं होता है, ठीक है ना? और जब ये डेवलप करती रहती है तो ये क्या हो जाती है, इमोबाइल हो जाती है ना, और जो कि एक लिटिल छोटा बहुत थोड़ा छोटा इंसेक्ट के जैसा दिखाई देता है, इमोबाइल हो जाएगा, अर्थात फीमेल इंसेक्ट चलती नहीं है, है ना। और फीमेल जो है, फीमेल जो सेल होती है लैक सेल, वो जो होती है क्या हो जाती है, ज्यादा बड़ी सी दिखाई देती है, और उसी के अंदर जो है वो एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थात फीमेल इंसेक्ट जो है वो एग प्रोड्यूस करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। अब बात आती है लाइफ साइकिल, लैक इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल किस प्रकार से होनी चाहिए, है ना, किस प्रकार की होती है। तो जो इमरजेंस ऑफ नीम, है ना, जो निम्ब का निकलना, अंडे से निम्ब का निकलना, वो कहलाता है स्वार्मिंग। क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग। और ये लगभग लगभग ये जो प्रोसेस है स्वार्मिंग की, अर्थात अंडे से निम्ब के निकलने की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली 5 सप्ताह तक चलती रहती है। और ये जो निम्ब होते हैं ये बहुत माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं, और ये जितनी भी ब्रांच है पेड़ की, देखिए ये सब दिख रहा है, ये क्या है, निम्ब है, ये जो है क्रॉल करते हैं, बहुत छोटे छोटे चाल से चलते रहते हैं, इसीलिए इनको क्रॉलर बोलते हैं, क्योंकि चाल बहुत धीमी होती है, है ना। और ये जा करके जो भी सकुलेंट ट्विग्स रहती हैं, जहाँ एकदम नाजुक सी जो ट्विग्स हैं, है ना, उसमें नीम्स अपने आप को क्या कर लेती हैं, बैठा लेती है, सेटल डाउन कर लेती है, है ना। और उस जगह पे आप देखेंगे तो लगभग लगभग 1 स्क्वायर इंच में, है ना, 1 स्क्वायर इंच में, मतलब 1 इंच बाई 1 इंच की जगह पे 200 से 300 नीम्स जो है एक जगह पे दिखाई देती है ना? और इस जगह पे दोनों के दोनों जो क्या करते हैं, मेल और फीमेल निम्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स है सकुलेंट ट्री, जो ट्रीज का सकुलेंट पोर्शन है उससे जो कोशिका का रस है उसको क्या कर देती है, सक करने का कार्य करती है ना। और ये किस तरीके से करती है, इनके जो सेक्टोरियल प्रोबोसिस होते हैं वो प्लांट टिश्यूज में इंसर्ट कर लेती है, और उसके जरिए जो है कोशिका रस को लेने का कार्य करती है, है ना। कुछ दिनों बाद, एक आध दिन के बाद, है ना, वो अपने आप को निम्फ जो है मेल फीमेल का, वो क्या कर लेता है, सेटल कर लेता है पूरा उसी जगह पे सकुलेंट ट्विग्स पे, है ना। और निम्फ जो है वो स्टार्ट कर देता है क्या करना, रेजिन सिक्रीट करना, है ना। वो किससे रेजिन सिक्रीट करता है, एक ग्लैंड्स होती हैं, तो ग्लैंड्स जो है उसकी जो बॉडी है क्यूटिकल होती है, पूरी पूरी जो क्यूटिकल है ना, केवल जो माउथ पार्ट्स, स्पायरिकल्स और एनस, उस 3 जगह को छोड़ दिया जाए, बाकी के पूरे शरीर में जो क्यूटिकल्स हैं उनमें ये ग्लैंड्स फैली होती है। इन ग्लैंड्स से ये जो निम्फ है अपने को सेटल करने के एक दिन बाद जो है वहां से रेजिन का सिक्रीशन करना शुरू कर देता है, और जैसे ये रेजिन जो है एटमॉस्फेयर में सिक्रीट करने के बाद आता है, तो जैसे ही सिक्रीट होता है तो उस समय तो वो सेमी सॉलिड होता है ना, लेकिन हवा ऑक्सीजन के साथ और एयर के साथ मिल करके जो है यह एक प्रकार कैसे हो जाता है, जो इसका जो रेजिन है जो सिक्रीट किया जाता है इंसेक्ट्स, वो सॉलिड हो जाता है, और एक प्रकार से उस निम्स के लिए वो प्रोटेक्टिव कवरिंग का कार्य करता है ना। और उसी प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर जो निम्स है वो 3 बार क्या करता है, मोल्ट करता है, अर्थात 3 इंस्टार उसी सेल के अंदर रहते हैं,
है ना, जब तक कि वो सेक्सुअली मैच्योर्ड ना हो जाए, है ना। और एक इंस्टार, एक इंस्टार का उस सेल के अंदर की जो इंस्टार की जो ड्यूरेशन होती है वो कई सारे फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर है उस समय, ह्यूमिडिटी क्या है, होस्ट प्लांट, किस होस्ट प्लांट के ऊपर यह जो है निम्फ है ना, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका लाइफ साइकिल इसकी निम्फ की चलती है ना। और इसका जैसे मैंने बताया ओवो विविपेरस नेचर होता है ना, तो फीमेल जो होती है वो अपना साइज इंक्रीज कर लेती है, और साइज इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, उनके नंबर ऑफ एग्स जो है वो बढ़ जाते हैं, है ना। और लेक रेजिंग जो है वो बहुत फास्ट तरीके से, फास्ट रेट से कंटिन्यूअसली, है ना, वो बॉडी से सिक्रीट करते चले जाते हैं इंसेक्ट्स, और वो जो है आपका रेजिन उनकी बॉडी के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। और लगभग लगभग 14 सप्ताह बाद, है ना, ये देखिए आफ्टर 14 इयर्स द फीमेल श्रिंक्स इन साइज, है ना, अपना साइज को फीमेल जो है 14 सप्ताह बाद छोटा कर लेती है, ताकि उसमें उस सेल के अंदर लाइट से पास हो और साथ ही साथ उसमें स्पेस ज्यादा मिले, तो एग लेइंग जो है वो ज्यादा हो, ज्यादा एग लेइंग की मात्रा बढ़ सके, है ना। ठीक है, और इसी समय पे जब ऐसा किया जाता है तो जो सेल होती है, सेल के पीछे की तरफ दो येलो स्पॉट्स दिखाई देते हैं, है ना। और ये जो येलो स्पॉट्स हैं वो शुरू में दिखाई देते हैं, बाद में ये स्पॉट्स क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। और जब ये स्पॉट्स जो है ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये जो है क्या, फीमेल एग लेइंग करना शुरू करने वाली है। द फीमेल हैज ओविपोजिटेड लार्ज नंबर ऑफ एग्स, और वो एग किसमें देती है, वो एक प्रकार का स्पेस बनाती है जिसको बोला जाता है ओविसैक। इस ओविसैक के अंदर वो फीमेल जो है वो कई सारे अंडे देने का कार्य करती है, है ना। और ये ओविसैक जो है ना, ये बेसिकली ऑरेंज कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो डाई होती है, डाई है ना, डाई जो होती है जो कि कोचिनिल के जैसे दिखाई देती है, कोचिनिल अर्थात एक प्रकार का ऐसा कंटेंट है जैसे फूड एडिटिव्स अपन बोलते हैं ना, खाने में कलर मिलाने से उसका रंग कैसा हो जाता है, उस तरीके का जो है कोचिनिल के जैसी जो है ना ये लैक डाई दिखाई देती है ना, ऑरेंज कलर की। ठीक है, ये इंडिकेट क्या करता है कि इससे जो है, अब जैसे ही ऑरेंज कलर का हुआ इसका मतलब है अब इससे जो है इस नए एग हैच होने बिल्कुल शुरू होने वाले हैं, है ना, बहुत जल्द बहुत कम समय में एग जो है इससे हैच हो जाएंगे। ये देखिए ये जो फीमेल की यही सब बॉडी है और यहाँ पे यही दिखा रहा है ना, इसका डॉर्सल व्यू है फीमेल इंसेक्ट्स का जो है किस तरीके से फीमेल में पार्ट्स पाए जाते हैं, ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। ठीक है, अब एडल्ट फीमेल जो स्केल्स होती है वो क्या कर जाती है, ये देखिए ऐसा हाई डोम्ड टेस्ट बनाती है ना, टेस्ट इसको बोला जाता है सेल टेस्ट और सेल, है ना, हाई डोम्ड टेस्ट और सेल बनाती है ना। और जिसमें कि ये देखिए 1, 2, 3, 4 उधर पीछे तक 2, 4 से 6 लोब लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, है ना, दैट एंकर्स द टेस्ट टू द प्लांट सरफेस, इसी एंकर्स के जरिए जो है ये जो टेस्ट है ये प्लांट सरफेस से लगे रहते हैं। ये देखिए ये टेस्ट जो होता है धीरे धीरे से जो है या हाई डोम्ड टेस्ट है या सेल है जो ये इसी को बोल देते हैं, हार्ड हो जाती है और चमकदार हो जाती है, है ना, और ऑरेंज रेडिश ऑरेंज जो है इसके एजेस पे देखिए रेडिश ऑरेंज कलर इसका हो जाता है ना, और जो इसका सेंटर जो होता है वो ब्लैकिश टाइप का डार्क कलर का हो जाता है। और एग्स हैच होते हैं, है ना, विद इन ए फ्यू आवर्स ऑफ लेइंग, कुछ घंटे, इसीलिए मैंने आपको बताया था एक कुछ ही जैसे ही, क्योंकि उनका नेचर क्या है, ओवो विविपेरस इन नेचर है ना। ठीक है, और जो पहले इंस्टार का जो निम्फ निकलता है उसको बोला जाता है क्रॉलर्स, है ना, CRAWLERS, है ना। और ये क्रॉलर्स होते हैं, फर्स्ट इंस्टार निम्फ जो कहलाते हैं क्रॉलर, उनका जो मेजरमेंट होता है 0.6 से 0.25 मिलीमीटर इन साइज का होता है। ये देखिए ये इसी के सब फिगर दिखाए गए हैं, है ना। और इसमें एक चीज और ये होती है कि कुछ स्पेसिमेंस में इसमें देखिए ये व्हाइट कलर के जो है ना स्ट्रिंग लाइक वैक्स फाइबर, है ना, ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग पतले धागे के जैसी संरचना जो होती है ये वैक्स फाइबर कहलाते हैं, है ना। ठीक है, ये इससे बाहर निकलते हैं, है ना, किससे, इसके जो टेस्ट है या सेल है इस सेल के डॉर्सम साइड से, है ना। और लेकिन ये कुछ समय बाद ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, है ना,
टूट जाते हैं, है ना। और जब जब हैवी इंफेस्टेशन होता है लाख का प्लांट्स में, बेसिकली प्लांट के लिए तो ये एनिमीज है, है ना, प्लांट के लिए पेस्ट है, प्लांट के लिए पेस्ट है ये लाख। लेकिन क्योंकि लाख ये इकोनॉमिकली हमको कुछ प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिकली फार्मर्स की को इनकम प्रोवाइड करता है, इसीलिए इनको अपन लोग जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये जब हैवी इन्फेस्टेशन हो जाता है लाख इंसेक्ट्स का, है ना, तो ये जितनी भी जो टेस्ट हैं या सेल्स हैं, है ना, वो क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ करके, है ना, वो करके एक प्रकार का मास बना लेती हैं। और जो है यही जो है जितने भी टेस्ट हैं ये डार्क हो जाते हैं जैसे जैसे कि इस ये लाख इंसेक्ट जो है वो मैच्योर्ड होता है, ठीक है, और ये डीप रेड कलर की हो जाती है जिसके अंदर की जो है इंसेक्ट्स रहता है, ठीक है, और इसी को जो है हम लोग लाख के रूप में रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए ये जो है ये सब क्या दिख रहा है, ये सब पूरे के पूरे जो चित्र में दिखा रहे हैं ये सब लाख है। इसमें ये देखिए ये होल्स दिख रहे हैं, इससे एडल्ट जो है वो इमर्ज हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। ये देखिए ये सब जो है ये पूरे का पूरा तैयार लाख है, ठीक है, इसी को बोला जाता है स्टिक लैक, है ना, ठीक है। ये बेसिकली स्टिक लैक क्या है, तो एक प्रकार का इंसेक्ट का प्रोटेक्शन है, है ना, ठीक है। और भाई एक्सक्रीटिंग सुगर्स दे आल्सो अट्रैक्ट द प्रेटोरियन गार्ड, है ना, एंट्स, इसी में जो है ना जब ये एक्सक्रीशन करते हैं हेमिप्टेरा है तो इसमें चींटियां भी लग जाती है ना, बीवर एंट्स, ओइकोफाइला स्मैरागेट डिना, है ना, इसका भी आक्रमण होता है। अब बात आती है कि ब्रूड लैग, है ना, ब्रूड लैग क्या होता है, ब्रूड लैग का ही यूज जो है वो प्लांट्स में इनाकुलेशन के लिए, अर्थात ब्रूड लैग का ही यूज जो है प्लांट में लाख को फैलाने के लिए, है ना, जिसको लाख को फैलाना ही इनाकुलेशन कहलाता है, और वो ब्रूड लैग के जरिए ही किया जाता है, है ना। तो जब एग्स हैच होते हैं लार्वी इमर्ज होती है और जब पूरी की पूरी प्रोसेस उसी समय स्टार्ट होती है ना, आफ्टर द साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड एंड अराउंड द टाइम व्हेन द नेक्स्ट जनरेशन बिगिन टू इमर्ज, जब अगली जनरेशन इमर्ज होने की स्थिति में रहती है ना, ठीक है, उस समय में जो है उसके पहले अपन क्या करते हैं, उन ब्रांचेस को काट करके, रेजिन एनक्रस्टेड ब्रांचेस को काट करके हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और वही जो हार्वेस्टेड ब्रांच है उनको जो है क्या बोला जाता है, ब्रूड लैग बोला जाता है, और यही ब्रूड लैग जो है यूज की जाती है इनाकुलेशन के लिए, है ना, और यही जो है इसी ब्रूड लैग को अपन स्क्रैप ऑफ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, सुखा लेते हैं, और प्रोसेस्ड करके विभिन्न प्रकार के लाख के प्रोडक्ट्स भी बनाने का कार्य करते हैं, है ना। और उसी ब्रूड लैग का कुछ पोर्शन जो है वो प्रीवियस क्रॉप का रख लेते हैं ताकि आगे आने वाले नए ट्री जो है, नए पौधों में, नए पेड़ों में इसका जो है क्या किया जा सके, इनॉकुलेशन किया जा सके। तो ब्रूड लैग के जरिए ही इनॉकुलेशन करने का कार्य किया जाता है। अब बात आती है होस्ट प्लांट्स की, तो लाख के इंसेक्ट जो है वो कई प्रकार के प्लांट्स में सर्वाइव करते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन मुस्क बेसिकली ये जो है ऐसे जो प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, है ना, उन लाख उस प्लांट्स के ऊपर लाख का प्रोडक्शन किया जाता है ना, क्यों, क्योंकि होस्ट प्लांट्स आर इकोनॉमिकली नॉट सो इम्पोर्टेंट, यील्ड जो है इसके जरिए प्लांट्स के जरिए हमको ये लाख के रूप में मिलती है, है ना। तो केवल 113 वैरायटी का होस्ट प्लांट्स मेंशन किया गया है, जिसमें कि कुछ कॉमन है इंडिया में, जैसा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलास का पौधा, जिजिपस स्पीसीज बेर का पौधा, है ना, कुसुम स्टिलेचिरिया ओलियोसा, है ना, खैर एकेसिया कैटजू, एकेसिया अरेबिका बबूल, है ना, आकाशमणि, ये सब जो है पलास, बेर, कुसुम, है खैर, बबूल, ये सब जो है आपका मुख्य रूप से होस्ट प्लांट्स हैं। अब बात आती है इसकी स्ट्रेंथ की, है ना, तो लाख इंसेक्ट्स की दो प्रमुख स्ट्रेंथ होती है जिसको बोला जाता है कुसुमी और रागनी, और ये स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली कुसुम के ऊपर, कुसुम प्लांट के ऊपर जो लाख लगता है उसको बोला जाता है कुसुमी, और जो कुसुम प्लांट्स के अलावा दूसरे प्लांट्स जैसे कि बेर है, पलास है, उनमें जो लगता है क्रॉप उसको बोला जाता है रंगनी। तो दो स्ट्रेंथ मुख्य होती है ना, रंगनी और कुसुमी, है ना, जिसके जरिए दो उसमें स्टैंड की दो फसल ली जाती है, जेठवी, है ना, जून जुलाई में, और अग्नि जनवरी फरवरी में, जबकि रगनी की भी दो फसल जो ली जाती है उसका बोला जाता है कत्की, जो कि अक्टूबर नवंबर के महीने में हार्वेस्ट की जाती है, जबकि बैसाखी जो है वो मई जून में हार्वेस्ट की जाती है ना, ठीक है। और जो इसका उसमी क्रॉप है
वो ज्यादा सुपीरियर कहलाती है। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है कि एक नंबर, ये देखिए एक नंबर है ना, तो ये अक्टूबर से शुरू होकर के जून जुलाई में हार्वेस्ट होती है बैसाखी क्रॉप। कथकी क्रॉप जो होती है वो आपका जून से शुरू होकर के अक्टूबर के महीने में हार्वेस्ट होती है, जबकि अघनी क्रॉप जो है वो आपका कब जून में शुरू होकर के जनवरी फरवरी में हार्वेस्टिंग काम होती है, जबकि जेठवी क्रॉप जो है वो आपका जनवरी फरवरी से शुरू होकर के जून जुलाई में हार्वेस्ट का कार्य किया जाता है। आया भाई बच्चे लोग समझ में? यस सर, यस सर।